सही है। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को डाउट होता है। ये क्वेश्चन इतना मतलब अच्छा है कि ये सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है यार। ये कहता है एक स्ट्रिंग है हम लोग के पास जिसकी लेंथ एल है। चलो मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है। चलो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। कनेक्टेड टू ए मास लेस एन द अदर इंडी विद द पेग ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। चलो बना लेते हैं टेबल, ठीक है। टेबल बना दूं तो ये एक टेबल है यार, इतना गजब मैं डायग्राम बनाता था। ये डिजिटल बोर्ड की जो दुनिया है ना, ठीक है, स्किल कम कर दी ना। आई मेक द डायग्राम इन फिजिक्स वेरी वेरी गुड यार। तो ये एक टेबल है। इस टेबल पे, ठीक है, एक पेग है। पेग क्या होता है? किल। किल देसी भाषा में इसको किल बोलते हैं। यहाँ एक नेल है, किल है, और वहाँ से एक एल लेंथ की स्ट्रिंग अटैच है। उससे एक बॉ एल लेंथ की स्ट्रिंग है, उसमें एक मास अटैच है, ठीक है, क्लियर है। एल लेंथ की एम मास पेग है ना, स्मूथ। इफ द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद स्पीड वी। अब देखो, स्पीड वी से ये पार्टिकल इसी टेबल पे सर्कल में मूव कर रहा है ना, इसी टेबल पे सर्कल में मूव कर रहा है, और उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इधर होगी, ठीक है। चलो क्लियर है। ये स्ट्रिंग है अपनी और ये यहाँ पर पेग है। तो ये कहता है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर विल बी। अब देखो, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टू फोर्स पूछा है। फोर्स मतलब रियल फोर्स यार, ठीक है। फोर्स मतलब नियर डायरेक्टेड टुवर्ड द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है? तो बहुत सारे बच्चे इस पे बहुत सारे बच्चे इसको कुछ अलग अलग, कोई ये करता है, कोई ये करता है, ठीक है। नेट फोर्स कोई अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग करते हैं। अब कभी भी हमेशा याद रखो, इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम जब फोर्स पूछा है तो फोर्स में ग्राउंड से ही जनरली लेते हैं हम लोग। जैसे वेलोसिटी पूछता है तो ग्राउंड से ही लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम से। तो फोर्स पूछा तो मैं इनर्शियल फ्रेम से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से ग्राउंड से अगर मैं देखता हूँ, तो सेंटर की तरफ मुझे कौन सा फोर्स दिखाई देगा बताओ? हम सबको पता है कि सर्कुलर मोशन या कोई पार्टिकल कर्व, सर्कुलर मोशन या ये कर्व, इस टाइप का कर्व या कोई भी कर्व, पैरा प्रोजेक्टाइल ऐसा कुछ, कोई भी कर्व, कर्व पे चलने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स तो है नहीं यार। दिस इज द रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द नेट रियल फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर। नेट रियल फोर्सेस का सेंटर की तरफ जो रिजल्टेंट होता है वही सेंट्रीपिटल ही बन जाता है। आ रहा समझ में ना भाई? जैसे है ना, एक आदमी है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जैसे मान लो एक किसी की शादी हो रही, समझना इसको, ठीक है। अब किसी की शादी नहीं है तो वो दूल्हा नहीं है यार। लेकिन जब शादी होती है तो जो दूल्हा होता है वो एक स्पेशल हो जाता है। तो वो पहले वाला आदमी ही है, ऐसा नहीं है कि वो पहले भी नहीं दूल्हा था, ठीक है, समझ रहे, मतलब पहले वो दूल्हा नहीं था लेकिन आज वो दूल्हा बना है। रीजन ये है तो वो वही यार, पर उसका रूप बदल गया है, ठीक है। आज के दिन वो स्पेशल है और उसका अलग से नाम है, उसको सम्मान ज़्यादा मिलता है, आज दूल्हा है, ठीक है। अब ऐसा तो कोई बराती नहीं होती जिसमें दूल्हा ही ना हो, ठीक है। तो अगर बारात अगर होगी, शादी अगर होगी, तो दूल्हा तो होगा ही होगा मेरे भाई, बिना दूल्हे के बराती कहाँ से आएंगे, ठीक है। ऐसा तो कोई शादी ही नहीं होती है, ठीक है। तो अगर शादी होगी तो दूल्हा तो होगा ना भाई। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल तो होगी होगी, बिना सेंट्रीपिटल के तो कोई ऐसा सर्कुलर मोशन हो ही नहीं है। अगर पार्टिकल कर पे चला तो सर्कुलर मोशन होगा ही होगा। तो है तो वो इंसान ही, पर उस दिन स्पेशल है। तो उसी तरह से यहाँ पे है तो वो फोर्स ही, पर सर्कुलर मोशन में एक स्पेशल फोर्स है जो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल फोर्सेस, देखो इस पे रियल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। टेबल है,
टेबल पे एक रखे हैं, तो टेबल पे जो रियल फोर्सेस हैं उस पे, इस टेबल पे जो रियल फोर्सेस हैं, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, एम जी नीचे लग रही है, और इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है यार। टेबल पे बॉल रखा होगा और नेट स्ट्रिंग से अटैच है टेंशन टी, जो कि सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, जो कि सेंटीपिटल फोर्स है भाई, ठीक है। तो नेट एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन टी टुवर्ड द सेंटर, ये सब गलत है यार, ठीक है। और अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो वही टेंशन टी सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर एल होगा, और उसको मैं एफ सी लिखूंगा, है ना।